हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। प्लेटो की शिक्षा का सिद्धांत या शिक्षा के संबंध में प्लेटो की जो योजना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में हम बता सकते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो आदर्श राज्य न्याय के सिद्धांत पर टिका हुआ है। यानी कि आदर्श राज्य का आधार प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है और उस न्याय की स्थापना के दो साधन प्लेटो ने बताए थे, एक सकारात्मक साधन और एक नकारात्मक साधन। सकारात्मक साधन के रूप में उन्होंने शिक्षा को महत्वपूर्ण औजार या साधन बताया था न्याय की स्थापना के लिए, और नकारात्मक साधन के लिए उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था की बात कही थी। तो वो नकारात्मक साधन हमारा अगला टॉपिक होगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं न्याय की स्थापना का जो सकारात्मक साधन है शिक्षा, प्लेटो ने उस शिक्षा के सिद्धांत को या शिक्षा की व्यवस्था को किस प्रकार प्रस्तुत किया, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर कुछ मुख्य बातें इस टॉपिक से जुड़ी हुई करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि अभी बताया, प्लेटो का आदर्श राज्य उसके न्याय पर टिका हुआ है। न्याय उसने दो तरह से बताया था, एक व्यक्तिगत न्याय और एक सामाजिक न्याय। और उन दोनों न्याय का मतलब ये था कि जब व्यक्ति और वर्ग अपने अपने स्तर पर अपने अपने प्रधान गुण के आधार पर काम करता है, यानी कि अपना कर्तव्य का पालन जब व्यक्ति और वर्ग दोनों करते हैं तो वो व्यक्तिगत न्याय भी स्थापित होगा और सामाजिक न्याय भी स्थापित होगा और उसी से आदर्श राज्य बनेगा। तो ये कर्तव्य बोध की जो अवधारणा है वो व्यक्ति में कैसे आएगी, तो उसके लिए वो शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्थापित करता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं न्याय की स्थापना यानी कि व्यक्ति के अंदर कर्तव्य बोध की भावना को जागृत करवाने में और उसके अंदर चेतना को विकसित करवाने में जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी वो शिक्षा की होगी। इसीलिए शिक्षा को वो एक सकारात्मक साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, उसी के अंदर आदर्श राज्य न्याय का जिस तरह से उल्लेख किया गया है उसी तरह से न्याय को स्थापित करने वाले शिक्षा के बारे में भी उसने एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की गई है। तो हम ये बता सकते हैं कि प्लेटो का एक अलग से शिक्षा संबंधी विचार, एक शिक्षा संबंधी जो उसका उसकी योजना थी उसका उल्लेख भी हमें रिपब्लिक के अंदर देखने को मिलता है। हम लोग ये भी बता सकते हैं कि प्लेटो ने तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों में जो अराजकता की स्थिति थी, चाहे वो अराजकता लोगों के बीच में हो चाहे वो शासक के बीच में हो, उस अराजकता के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी कारण प्लेटो ने अज्ञानता को माना था, है ना। उसके अनुसार अज्ञानता व्यक्ति के और समाज के दोनों के विकास में एक बड़ी बाधा है और इस अज्ञानता को दूर किसके माध्यम से किया जा सकता है, ज्ञान के माध्यम से। और ज्ञान देने के लिए या ज्ञान विकसित करने के लिए शिक्षा ही एक प्रभावी साधन के रूप में स्थापित की जा सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात। अब आप यहाँ पर देखो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था एक क्लास के अंदर कि प्लेटो की ये जो पुस्तक है जिसको इंग्लिश में हम रिपब्लिक के नाम से जानते हैं, यूनानी भाषा में ये क्या शब्द था, पोलीटेइया। और इन दोनों का अगर हम हिंदी में अनुवाद समझे तो इसका मतलब होता है आदर्श राज्य। यानी कि प्लेटो की जो पुस्तक है वो आदर्श राज्य से जुड़ी हुई है। लेकिन एक विद्वान है रूसो, रूसो क्या कहते हैं कि प्लेटो की इस पुस्तक को राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं माना जाना चाहिए। मतलब उन्होंने, रूसो ने इस पुस्तक के अंदर शिक्षा को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, शिक्षा की योजना और शिक्षा के विस्तार को जिस रूप में स्पष्ट किया गया है, उस सब को ध्यान में रखते हुए रूसो ने एक बड़ी प्रतिक्रिया क्या व्यक्त की है कि प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये शिक्षा पर लिखा गया अभी तक का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। अब आप देखो कि रूसो ने इसकी विषय वस्तु को ही बदल दिया कि जिस रिपब्लिक को प्लेटो के आदर्श राज्य के रूप में कुछ लोग जानते हैं, रूसो ने उसको शिक्षा के आधार पर पहचान दिलाने की कोशिश की। इसका मतलब क्या है कि प्लेटो ने शिक्षा के ऊपर जिस तरह से विचार व्यक्त किए, जो योजना प्रस्तुत की, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये एक प्रारंभिक बात जो हम प्लेटो के शिक्षा के संबंध में बता सकते हैं। फिर हम बात करें
प्लेटो की शिक्षा योजनाओं से जुड़ी हुई प्रमुख मान्यताएं क्या हैं? अगर उन मान्यताओं की चर्चा करें तो पहली मान्यता हम बता सकते हैं इसका फिलोसॉफिकल बेस, दार्शनिक आधार, है ना। प्लेटो क्या कहता है, आप एक एक चीज ध्यान से समझना, कुछ चीजें वास्तव में समझने के लिए थोड़ी गहरी है, फिलोसॉफी के ऊपर आधारित है। तो प्लेटो का यह मानना था कि ये जो भौतिक जगत है, ये जो वस्तुगत जगत है, इसमें जो कुछ भी दिख रहा है, केवल उनको जानना पर्याप्त नहीं है, इस भौतिक जगत का ज्ञान रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वास्तविक ज्ञान क्या है कि उस भौतिक जगत के अंदर जो सत, अंतिम सत्य, जिसको जिसको सत कहा जाता है, सेंस कहा जाता है, जो अंतिम सत्य है, अंतिम वास्तविकता है, यदि हम उसको जान लेते हैं तो वो ज्ञान है, है ना। कि केवल तथ्यों को, जैसे आप लोगों ने सुकरात का, प्लेटो के गुरु सुकरात का कथन पढ़ा है ना, सुकरात क्या कहता है कि सद्गुण ही ज्ञान है, मतलब केवल तथ्यों की जानकारी रखना ज्ञान नहीं है, बल्कि उस जानकारी को व्यवहार में क्रियान्वित करना ज्ञान है, ये सुकरात कहता है। कुछ इसी तरह की बात प्लेटो भी कहता है कि इस भौतिक जगत में जो भी दृश्यमान चीजें हैं, केवल उनकी जानकारी रखना ज्ञान नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो उसका सेंस है, जो अंतिम वास्तविकता है, अगर हम उसको जान लेते हैं तो वो ज्ञान कहलाता है, है ना। फिर दूसरी बात, दार्शनिक आधार के रूप में प्लेटो क्या कहते हैं, ज्ञान का अलग अलग स्तर होते हैं, ज्ञान के अलग अलग चरण, अलग अलग स्तर होते हैं। तो ज्ञान के स्तर मानवीय आत्मा से जुड़े हुए हैं, है ना, कि मनुष्य की आत्मा में जो तीन गुण हैं, क्षुधा, साहस और विवेक। अब क्षुधा किस तरह से क्रियान्वित होगी, साहस किस तरह से क्रियान्वित होगा, या विवेक को किस तरह से क्रियान्वित किया जाएगा, मनुष्य के इन आत्मा के इन गुणों को क्रियान्वित करने के लिए एक वातावरण, परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, और यही वातावरण और यही परिस्थितियां शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। तो यहाँ ये पहला दार्शनिक आधार शिक्षा के संबंध में जो हम प्लेटो के बारे में बता सकते हैं। दूसरी बात जो प्लेटो यहाँ पर बता सकता है, वो बताता है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा जो है वो मानव मस्तिष्क के विकास में सहायक है, है ना। मानव मस्तिष्क का विकास, हम लोग जानते हैं कि जब बालक जन्म लेता है तो वो अबोध होता है, लेकिन उस अबोध बालक में धीरे धीरे संरचनात्मक विकास होता है, और इसी संरचनात्मक विकास का एक हिस्सा है उसका मानसिक विकास, है ना। ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति, या शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमताओं का की भी अभिवृद्धि करता है, उसमें सोचने समझने की, नैतिकता अनैतिकता, पाप पुण्य, क्रिया प्रतिक्रिया, इन सब का ज्ञान होता है। तो ये सब ज्ञान कराने के लिए उचित वातावरण शिक्षा के माध्यम से ही प्रस्तुत होता है। हम लोग ये कह सकते हैं शिक्षा एक ऐसा स्वस्थ वातावरण प्रस्तुत करती है जिसमें व्यक्ति का मस्तिष्क सद्गुणों की तरफ आकर्षित होता है। तो ये प्लेटो का शिक्षा को लेकर एक और तर्क, शिक्षा मानव मस्तिष्क के विकास में सहायक है, और शिक्षा मानव के मस्तिष्क को सद्गुणों की ओर प्रेरित करने में सहायक होती है। ये दूसरी बात जो उसकी शिक्षा योजना को लेकर। तीसरी एक और बात हम यहाँ पर बता सकते हैं, प्लेटो की शिक्षा योजना के उद्देश्य क्या हैं, है ना, किन उद्देश्यों को लेकर प्लेटो की शिक्षा योजना उसने प्रस्तुत की थी रिपब्लिक के अंदर। तीन मोटे मोटे उद्देश्य हम बता सकते हैं, एक वैयक्तिक, व्यक्ति के तौर पर शिक्षा का उद्देश्य क्या है, दूसरा सामाजिक, समाज की दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य क्या है, और तीसरा व्यवहार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तीन बड़े बड़ी कैटेगरियां हम लोग बता सकते हैं शिक्षा के उद्देश्य को लेकर। पहले हम बात करते हैं प्लेटो की शिक्षा का व्यक्तिगत या वैयक्तिक उद्देश्य क्या है। तो प्लेटो ये कहता है हर व्यक्ति अपना कल्याण करवाना चाहता है, मतलब अंतिम उद्देश्य क्या है व्यक्ति के जीवन का, उत्तम जीवन की प्राप्ति। उत्तम जीवन की प्राप्ति यानी कब होगी, यानी कि उत्तम जीवन की प्राप्ति यानी कि उसका कल्याण होगा, और ये कल्याण या उत्तम जीवन की प्राप्ति वो तभी कर पाएगा जब इस सांसारिक जगत का सत्य क्या है ये उसे पता चले।
तो सांसारिक जगत का सत्य ये है प्लेटो के अनुसार कि व्यक्ति को अपने दायित्वों का निर्वहन करना है ना। और ये दायित्वों का निर्वहन उसे कैसे करना है, खुद को सद्गुणी बनाए रखते हुए। सद्गुणी का मतलब यहाँ पर है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार के विषय विकार काम क्रोध मद मोह लोभ नहीं होंगे। वो नैतिक जीवन जीते हुए यदि अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो इसका मतलब वो भौतिक जगत में उत्तम जीवन की प्राप्ति करता है। और यही उत्तम जीवन की प्राप्ति का आभास उसे कौन कराता है, शिक्षा कराती है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति का कल्याण करना, उसे सद्गुणी बनाना। एक और बात व्यक्तिगत स्तर पर जो शिक्षा शिक्षा के माध्यम से की जाती है वो ये कि ये जो विश्व है, ये जो जगत है, दुनिया जिसको हम कहते हैं, इसकी गति को संचालित कौन कर रहा है, कैसे कैसे ये 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 दुनिया चल रही है ना, उसके पीछे क्या विचार निहित है। देखिए हम लोग कहते हैं कि प्लेटो पहला प्रत्ययवादी विचारक था, आदर्शवादी विचारक था, है ना। आदर्श और प्रत्यय का मतलब विचारों से है, तो कौन से विचार इस दुनिया को चला रहे हैं, इस विश्व को गति प्रदान कर रहे हैं, उन विचारों को समझने में कौन सहायक बनता है, शिक्षा सहायक बनती है। तो ये हम पहली विशेषता बता सकते हैं, शिक्षा का पहला उद्देश्य वैयक्तिक या व्यक्ति के स्तर पर उसका क्या अलग लक्ष्य है। दूसरी बात हम कर सकते हैं शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक स्तर पर शिक्षा क्या 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 करवाने में सहायक है। तो प्लेटो ये मानता है शिक्षा व्यक्ति को समाज के प्रति उसके दायित्वों के निर्वहन के लिए सजग बनाती है। अब यहां पर देखिए, पहले उद्देश्य में हम व्यक्तिगत तौर पर बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर क्या करना है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि प्लेटो ये मानता है कि व्यक्ति का समाज के प्रति भी कुछ दायित्व बनता है, समाज के प्रति भी उसके कुछ कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो उन वो जिम्मेदारियां क्या हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करना है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कर्तव्य बोध। तो वो कर्तव्य बोध व्यक्ति में कौन जागृत करेगा, शिक्षा जागृत करेगी। यानी कि सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति के दायित्वों को विकसित करने का काम, उसमें उसमें चेतना लाने का काम शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। शिक्षा ही सामाजिक चेतना को उन्नत करने में, उसको विकसित करने में, उसको संरक्षित करने में सहायक होती है। यहाँ पर एक बात और हम एक बता सकते हैं कि व्यक्ति को व्यक्तिगत क्षेत्र में नहीं बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में कल्याण करने के लिए प्रेरित करने का काम भी इसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। आप लोग याद करो कि प्लेटो के आदर्श राज्य में हमने एक बात कही थी कि व्यक्ति का हित समाज के हित में निहित है ना। व्यक्ति का अपना कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, समाज के लिए वो जो कुछ भी कर रहा है वो वही हित उसका अपना हित भी है। तो वो सार्वजनिक कल्याण या सार्वजनिक हित को प्रधानता देने का जो भाव है वो भी शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जाता है। तो ये प्लेटो का दूसरा उद्देश्य, शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है सामाजिक क्षेत्र में। तीसरी बात हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं, प्लेटो की शिक्षा का तीसरा उद्देश्य व्यावहारिक क्षेत्र में भी है। व्यावहारिक मतलब जिसको व्यवहार में अपनाया जाना चाहिए या व्यवहार में जिसको अपनाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेटो ने ये शिक्षा की जो व्यवस्था थी आपको मैंने पहले बताया था, ये अभिभावक वर्ग के लिए है। यानी कि समाज में जो तीन वर्ग हैं, उत्पादक सैनिक और दार्शनिक, उसमें उत्पादक वर्ग को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो बाकी के दो वर्ग हैं, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग, उनको ये शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो व्यवहार में ये शिक्षा क्या करेगी, सैनिकों के अंदर आत्मशक्ति के तत्व का विकास करेगी। सैनिकों के अंदर क्या है, साहस है, लेकिन साहस का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, किस स्तर पर जाकर करना है, ये शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जाएगा। इसी तरह से जो दार्शनिक वर्ग है, संरक्षक वर्ग है, जिनके पास विवेक है ना, प्रज्ञा है, बुद्धि है, तो उस विचार शक्ति को, उसके तत्व को कैसे प्रयोग में लाना है, कैसे उसका विकास करना है, ये शिक्षा के माध्यम से ये सिखाया जाएगा। तो ये एक पहला व्यावहारिक बात हम बता सकते हैं शिक्षा के उद्देश्य में कि शिक्षा सैनिकों में आत्मशक्ति और दार्शनिक वर्गों में विचार शक्ति के तत्व के वृद्धि में, उसके विकास में सहायक है।
फिर अगली बात यहां भी कह सकते हैं कि शिक्षा ही व्यवहार में न्याय की व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक है। जैसे अभी हमने कहा था कि यदि समाज में व्यक्तिगत स्तर पर न्याय की स्थापना होगी और सामाजिक स्तर पर सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, तभी राज्य के अंदर न्याय बना रह पाएगा। और व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय के लिए व्यक्ति को और वर्गों को अपने निर्धारित कर्तव्य करना जरूरी है। तो ये कौन करवाएगा? शिक्षा करवाएगी। तो शिक्षा के माध्यम से न्याय की स्थापना होगी और उस न्याय के माध्यम से आदर्श राज्य स्थापित होगा। तो इस रूप में हम कह रहे हैं कि व्यवहार में न्याय को बनाए रखने के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। एक आदर्श राज्य के अंदर व्यक्ति के साथ साथ नागरिकों की भी भूमिका होती है। व्यक्तिगत जीवन का निर्वहन तो व्यक्ति व्यक्ति के रूप में करता है, लेकिन सार्वजनिक रूप में वो एक नागरिक के रूप में अपने जीवन का यापन करता है। तो एक अच्छा नागरिक कैसा होगा, एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए, इसका विकास भी शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। तो ये एक और बात व्यावहारिक स्तर पर जो शिक्षा के उद्देश्य के रूप में बता सकते हैं। एक अंतिम बात जो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि व्यवहार में शिक्षा ही व्यक्तिगत और सार्वजनिक नैतिकता के बीच में संतुलन स्थापित करती है, सामंजस्य लेकर आती है। व्यक्तिगत नैतिकता क्या है और सार्वजनिक नैतिकता क्या है, व्यक्तिगत हित क्या है और समाज की या सार्वजनिक भलाई क्या है, इसके बीच में संतुलन शिक्षा के माध्यम से लाया जा सकता है। और जब ये संतुलन या सामंजस्य स्थापित हो जाता है तो वो राज्य अपने आप एकता के सूत्र में बंधता है, उस राज्य को अपने आप स्थायित्व प्राप्त होता है। तो ये स्थायित्व और एकता कौन लेकर आ रहा है? शिक्षा के माध्यम से ये एकता व्यवहार में स्थापित की जा रही है। तो ये तीन उद्देश्य अभी हमने देखे जो प्लेटो की शिक्षा योजना के बताए जा सकते हैं, एक वैयक्तिक स्तर पर, दूसरा सामाजिक स्तर पर और तीसरा व्यावहारिक स्तर पर। ये प्लेटो की शिक्षा योजना के उद्देश्य हैं। अब अगली अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो के समय किस तरह की शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। आगे अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, प्लेटो ने जो अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत की वो मिश्रित शिक्षा व्यवस्था थी। प्लेटो के समय में जैसे हमने कहा था यूनान में अलग अलग नगर राज्य थे, तो दो नगर राज्य बहुत फेमस थे, एक एथेंस और दूसरा स्पार्टा। इन दोनों के अंदर तत्कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी उनको जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। तो स्पार्टा में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था उस समय प्रचलित थी? स्पार्टा के अंदर सैनिक गुट बने हुए थे। सैनिक गुट मतलब सैनिकों के अलग अलग गुट गुट बने हुए थे। और वो सैनिक गुट क्या कर रहे थे? वो पड़ोसी राज्यों के साथ निरंतर युद्ध में रत थे। तो एक प्रकार से स्पार्टा की जो व्यवस्था थी वो सैनिक गुटीय व्यवस्था के रूप में हम लोग बता सकते हैं। अब आप लोगों को ये अच्छी तरह से पता है कि युद्ध करने के लिए वो अगर किसी राज्य के अंदर युद्ध निरंतर हो रहे हैं तो युद्ध करने के लिए सैनिकों की आवश्यकता होती है। तो स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख टारगेट क्या था? अच्छे कुशल सैनिकों को तैयार करना, है ना। उनकी उस राज्य की प्राथमिक आवश्यकता क्या थी? सैनिकों को तैयार करना। और वो सैनिक कौन से होंगे? अच्छे होंगे, कुशल होंगे, दक्ष होंगे, कर्तव्यनिष्ठ होंगे, राष्ट्रभक्त होंगे। तो इसी उद्देश्य से स्पार्टा में 17 वर्ष की आयु से ही बच्चों को माता पिता से छीन कर, माता पिता से दूर करके अनुशासक के अधीन रख दिया जाता था। वही अनुशासक बच्चों के अंदर 17 वर्ष की आयु के ऊपर के जो बच्चे थे उनको कठोर अनुशासित सैन्य शिक्षा प्रदान करता था। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्पार्टा के अंदर जो शिक्षा प्रणाली दी जा रही थी वो सैन्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा से जुड़ी हुई थी, उसमें मानसिक शिक्षा का कोई विचार, कोई प्रयास नहीं था। ये एक पक्षीय शिक्षा प्रणाली जो स्पार्टा में उस समय चल रही थी। लेकिन उसी समय एथेंस में जो शिक्षा चल रही थी वो दूसरे तरह की शिक्षा प्रणाली थी। एथेंस में जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी उसका लक्ष्य था
मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति का विकास करना। स्पार्टा की सैनिक स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था का लक्ष्य क्या था? शारीरिक शिक्षा का विकास करना, है ना, सैनिकों को तैयार करना। लेकिन यहाँ का एथेंस की शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य था मानसिक तौर पर व्यक्ति को मजबूत बनाना, उसकी आत्मशक्ति का विकास करना। इसीलिए एथेंस की शिक्षा प्रणाली 3 चरणों में विभक्त थी, या हम ये कह सकते हैं एथेंस की शिक्षा की संरचना त्रिस्तरीय थी। पहली शिक्षा का पहला स्तर जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता था, इस स्तर पे बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता था, लिखना सिखाया जाता था। इस पूरे चरण में 6 से 14 वर्ष तक की जो शिक्षा प्रणाली थी, इसका पाठ्यक्रम बहुत ही जटिल था। विद्यार्थियों को साहित्य का ज्ञान कराया जाता था, साहित्य के साथ साथ उनकी शारीरिक संरचना के विकास के लिए खेलकूद पर ध्यान दिया जाता था। उनमें संगीत और कविता जैसी जो प्रवृत्तियां थी उनको विकसित करने पर ध्यान दिया जाता था। तो ये पहला चरण था 6 से 14 वर्ष तक का प्राथमिक शिक्षा का चरण। दूसरा शिक्षा का चरण था जिसको हम मध्यम स्तर का शिक्षा का चरण कहते हैं, जो 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता था। इसमें वित्त, अर्थ और राजनीति की शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि यह सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली नहीं थी, बल्कि समाज का जो पैसे वाला या कुलीन वर्ग था, केवल उन्हीं वर्गों तक शिक्षा का ये दूसरा चरण क्रियान्वित किया जाता था, या ये जो 14 से 18 वर्ष तक की जो शिक्षा थी वो केवल एक वर्ग विशेष तक सीमित थी। तीसरे प्रकार जो चरण आता था एथेंस में उस समय, वो प्रादेशिक स्तर का चरण कहलाता था, जो 18 से 20 वर्ष तक की आयु में प्रदान किया जाता था, और मुख्य तौर पर यह सैनिक शिक्षा दी जाती थी। यानी कि आप देखिए कि स्पार्टा के अंदर जिस शिक्षा का प्रचलन था, वो शिक्षा एथेंस के अंदर 18 से 20 वर्ष तक की आयु के वर्गों तक प्रदान की जाती थी। प्लेटो ने इन दोनों का मिश्रण किया। प्लेटो की शिक्षा योजना में स्पार्टा और एथेंस दोनों की शिक्षा प्रणाली का मिश्रण हमें देखने को मिलता है, और उसको उसने अपने मौलिक शैक्षिक विचार के रूप में इस मिश्रण के आधार पर कुछ और नवीन चीजों को शामिल किया और अपनी मौलिक शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। तो ये हम लोग बता सकते हैं कि प्लेटो के समय में क्या शिक्षा का वातावरण यूनान के अंदर प्रचलित था। अब अगर हम बात करें कि प्लेटो ने जो शिक्षा की योजना प्रस्तुत की, उसकी खास बातें क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, तो वही चीज हम यहां पर देखने जा रहे हैं, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं। पहला हम लोग बता सकते हैं कि प्लेटो ने जो शिक्षा योजना प्रस्तुत की, वो शिक्षण व्यवस्था के विकास को रेखांकित करती है ना। प्लेटो के समय में, जैसे अभी हमने कहा, दो प्रकार से मुख्यतः दो प्रकार की शिक्षा प्रणालियां प्रचलित थी, एक एथेंस में, एक स्पार्टा में, और दोनों अधूरी कही जा सकती है। दोनों को संपूर्ण शिक्षा प्रणाली नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि स्पार्टा में केवल उसके ऊपर बल दिया गया था, सैन्य शिक्षा के ऊपर बल दिया गया, और एथेंस के अंदर मुख्य तौर पर बौद्धिक शक्ति को विकसित करने पर बल दिया, और कुछ अर्थों में सैन्य शक्ति को विकसित करने की बात कही गई थी। प्लेटो ने इन दोनों में समन्वय लाकर अपनी एक मौलिक शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया, और उसने शिक्षा को पूर्णता प्रदान करने की कोशिश की। एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणालियों के गुणों को मिलाकर एक संपूर्ण, उसके अर्थों में जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा योजना शिक्षण व्यवस्था के विकास को रेखांकित करती है, यह पहली विशेषता। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, प्लेटो की शिक्षण योजना में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है। सर्वांगीण विकास किसको हम बोलते हैं? जिसमें व्यक्ति का शारीरिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो, और आध्यात्मिक विकास भी हो। सैनिक शिक्षा के हम आगे कल की क्लास में देखेंगे, जब शिक्षा योजना की चर्चा करेंगे, तो उसमें व्यक्ति को सैन्य शिक्षा भी दी जा रही है। उसमें व्यक्ति को अलग अलग विधाओं की जानकारी, अलग अलग विषयों का ज्ञान भी दिया जा रहा है, ताकि उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो। उसको अंतिम सत्य का ज्ञान भी कराया जा रहा है कि एक उत्तम जीवन की प्राप्ति किस तरह से होगी और उसके लिए क्या किया जाना आवश्यक है। यानी कि सद्गुणों का विकास व्यक्ति के अंदर किया जा रहा है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना प्रचलित शिक्षा व्यवस्थाओं की तुलना में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देने वाली शिक्षा योजना है। तीसरी बात हम लोग ये बता सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना
साइकोलॉजी ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुकूल है, मानव के मनोविज्ञान के अनुरूप अनुकूल है। उस समय की अगर बात करें तो प्लेटो ने क्या कहा था कि मनुष्य का मन और मस्तिष्क तीन गुणों से युक्त हैं, उसके अंदर तीन तरह की प्रवृत्तियां होती है, क्षुधा की, साहस की और विवेक की। ये तीन प्रवृत्तियां हैं और इन्हीं तीन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्लेटो अलग अलग आयु वर्ग में अलग अलग प्रकार की शिक्षा देना बताता है। उसका जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है, जो शिक्षा की योजना है, वो अलग अलग आयु वर्ग में अलग अलग तरह से निर्धारित हुई है और उसके पीछे आधार क्या है, यही मनुष्य की तीन प्रवृत्तियां, सुधा, साहस और विवेक। और इन तीनों प्रवृत्तियों के अनुरूप मनुष्य जब शिक्षा ग्रहण करता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना मानव मनोविज्ञान के अनुरूप है। चौथी बात यहां पर हम कर सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना व्यावहारिक है। व्यावहारिक मतलब जिसको स्वीकार किया जा सकता है, जो तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। प्लेटो की शिक्षा योजना भी तत्कालीन यूनानी सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बताई जा सकती है। किसी भी राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि राज्य के अंदर रहने वाले नागरिक राज्य के प्रति समर्पित रहें और उनके जो दायित्व हैं उन दायित्वों का वो पूरे मनोयोग से पालन करें, है ना। प्लेटो की शिक्षा योजना भी व्यवहार में इसी उद्देश्य को पूरा करती है। प्लेटो की शिक्षा योजना में व्यक्ति को और वर्गों से जुड़े हुए व्यक्तियों को व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए प्रेरित करती है। और जब इस रूप में वो प्रेरित कर रही है, इसका मतलब समाज में व्यक्ति अपने दायित्वों का पालन करेगा और सामाजिक न्याय की स्थापना करेगा। तो ये व्यावहारिक पक्ष है शिक्षा का कि वो लोगों को, व्यक्तियों को, उनके कर्तव्यों को पालन करने के लिए प्रेरित कर रही है। ये उसकी शिक्षा योजना का अगला बिंदु। अगली बात हम बता सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा शासकों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। राज्य का संचालन प्लेटो ने किसको दिया, दार्शनिक वर्ग को दिया। वो दार्शनिक वर्ग कहाँ से बना, समाज के जिन लोगों में विवेक की प्रधानता है वो लोग शासन का काम करेंगे, शासन संचालन की जिम्मेदारी उस वर्ग के ऊपर होगी। तो उस वर्ग को और ज्यादा निखारने के लिए, शासन का संचालन और ज्यादा कुशलता से करने के लिए प्लेटो इस शासक वर्ग को भी अपनी शिक्षा योजना में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करता है। वो क्या कहता है कि एक अच्छा शासक, एक आदर्श शासक या एक दार्शनिक राजा वही होगा जिसके अंदर सद्गुण होंगे, जो व्यक्तिगत हित की बजाय सार्वजनिक हित को महत्व देगा। एक योग्य शासक का निर्माण करने के लिए, उसमें सद्गुणों का विकास करने के लिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को शांत करते हुए सार्वजनिक हित में समर्पित करने का जो भाव उसके अंदर विकसित होगा वो केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से होगा। तो हम कह सकते हैं कि शासक के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी प्लेटो की शिक्षा योजना के अंदर हम देख सकते हैं। फिर हम अगली बात बता सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना में व्यक्ति के नैतिक विकास की बात की गई है, या प्लेटो की शिक्षा योजना नैतिक विकास पर बल देती है। अभी इसके लिए वो सुकरात की बात से प्रेरित है। सुकरात क्या कहता है कि केवल तथ्यों को जानना ज्ञान नहीं है, सद्गुण ही ज्ञान है। का मतलब है तथ्यों को जानकर व्यवहार में क्रियान्वित करना और उस क्रियान्वयन के पीछे नैतिक मूल्यों का महत्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मोबाइल चलाना आता है ना, तथ्य क्या है, मोबाइल को चलाना, और ये केवल कि मोबाइल क्या काम आ रहा है अगर मैं ये जान रहा हूं तो वो केवल ज्ञान है। लेकिन वास्तविक ज्ञान उस मोबाइल को जब मैं यूज करूंगा, है ना, तो वो वास्तविक ज्ञान होगा। अब इसमें नैतिकता क्या है कि इस मोबाइल से मैं कुछ पॉजिटिव यूज भी ले सकता हूँ, इसका नेगेटिव यूज भी ले सकता हूँ। तो मुझे नेगेटिव यूज नहीं लेना है, मुझे इस मोबाइल का पॉजिटिव अर्थों में यूज करना है। इसका मतलब मुझे मेरे अंदर कुछ ऐसे नैतिक भाव होने जरूरी हैं जो मुझे तथ्यों का सकारात्मक अर्थों में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करे। प्लेटो की शिक्षा भी मनुष्य के अंदर नैतिक उत्थान के कुछ इसी प्रकार के वातावरण, कुछ इसी प्रकार के तत्व विकसित करती है जिससे व्यक्ति अपना जो व्यवहार है, अपना जो आचरण है, अपने जो दायित्व है, उन दायित्वों को पूरा करता है नैतिकता से प्रभावित होकर। तो ये नैतिक मूल्यों का विकास शिक्षा के माध्यम से किया जा रहा है। अगली विशेषता हम बता सकते हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा योजना है, प्लेटो उसको अलग अलग चरणों में, जैसे अभी आप लोगों ने देखा था कि एथेंस के अंदर 20 वर्षों तक अलग अलग तरह से शिक्षा की योजना प्रचलित थी,
उसी तरह की शिक्षा योजना हमें प्लेटो के शिक्षा योजना में भी नजर आती है। वो भी अपनी शिक्षा योजना के अलग अलग चरण बताता है। 6 वर्ष की आयु से जो शिक्षा चलती है वो 35 और 50 वर्ष तक की आयु तक चलती है। अलग अलग वर्गों को अलग अलग पाठ्यक्रमों के माध्यम से अलग अलग तत्वों का ज्ञान कराया जाएगा। तो एक तरह से ये जो शिक्षा प्रणाली है वो एक समय पे जाकर रुक नहीं जाती है। प्लेटो ये कहता है कि ये जो शिक्षा है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया वो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान बताता है। यानी कि जिस अभिभावक वर्ग को, यानी कि सैनिक और दार्शनिक वर्ग को शिक्षा ये दी जा रही है, उसमें पुरुष और महिलाएं समान रूप से जीवन भर ज्ञान अर्जित करते हैं, जो राज्य के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुरूप। तो ये अगली विशेषता हम बता सकते हैं, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अगली बात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में आध्यात्म के पक्ष को भी स्वीकार किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करती है, उसके आध्यात्मिक उत्थान की बात करती है। और आध्यात्मिक उत्थान कैसे होगा? उत्तम जीवन की प्राप्ति। तो उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए सही क्या है, ईश्वर क्या है, ये सत्य और ईश्वर का ज्ञान भी शिक्षा के माध्यम से करवाया जाएगा। जैसे हमने कहा था, ये एक प्रत्यय है, एक विचार है ना, सत्य एक विचार है, ईश्वर एक विचार है। और जब सत्य और ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो वो किसके माध्यम से होगा? वो शिक्षा ग्रहण करके ही अपने को ऐसे विचारों से अवगत करवाना होगा जो व्यक्ति को सत्य और ईश्वर के प्रति प्रेरित करते हैं। एक तरह से व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान से जुड़ा हुआ है प्लेटो का यह शिक्षा संबंधी विचार। एक आखिरी विशेषता जो हम यहाँ पर बता सकते हैं वो ये कि प्लेटो की शिक्षा योजना राज्य द्वारा नियंत्रित है। हमने आदर्श राज्य के दौरान भी पढ़ा था उसकी विशेषताओं में कि राज्य के अंदर जो शिक्षा प्रणाली दी जा रही है वो राज्य के द्वारा दी जाएगी। आप लोगों को ये भी पता है कि समाज के सभी वर्गों को शिक्षा नहीं दी जा रही है। उत्पादक वर्ग शिक्षा के अधिकार से वंचित है, केवल सैनिक और दार्शनिक वर्ग को शिक्षा दी जा रही है। तो ये उन्हीं को मिले कौन देखेगा? राज्य देखेगा। किस किस वर्ग को क्या शिक्षा देनी है, किस आयु वर्ग में शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, ये सब कुछ तय करने का अधिकार किसके पास है? राज्य के पास है। तो और हमने कल पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि अगर शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता है तो समाज की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इसलिए ये शासक का, दार्शनिक राजा का कर्तव्य है कि वो शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन ना होने दे। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि राजा किसके लिए काम कर रहा है? राज्य के लिए, आदर्श राज्य के लिए काम कर रहा है। इसीलिए शिक्षा के पाठ्यक्रम पर और शिक्षा की कार्यप्रणाली पर जो पूरा नियंत्रण है वो राज्य का ही नियंत्रण है। तो कुल ये 8-9 बातें हम लोगों ने देखी जो प्लेटो की शिक्षा योजना की विशेषताओं से जुड़ी हुई है। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि शिक्षा योजना क्या थी और उस शिक्षा से जुड़ी हुई आलोचना क्या थी, वो हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे।